संविधान की उलंघना आ। सो चोन कमीशन असं ये बेनती करते हैं कि बनती अनुशासनी कार्रवाई करके एक तो जो परचा दर्ज किया जाए कि उन्हें चोन कमीशन हिदायतों की जी उलंघना की और दूजा जी इस हेराफेरी के नाल और भारतीय संविधान की जी उलंघना करके उन्हें सरपंची गई आई सरपंची रद्द करके वो दोबारा जी इलेक्शन करवाई जाए। सो बाकी मैं बेनती करूँगा साढ़े वीर भगवान वाल्मीकि टाइगर फोर्स तो अजय खोसला जी, मैं उन्होंने भी बेनती करूंगा कि वह भी जरूर जोड़ा आ अपने दो शब्द ये बारे रख। सब तो पहले सारे जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम, जय भारत। अज असी गुरु रविदास टाइगर फोर्स जिसने रहने वास्ते के टक्कर उसके जरिए रखा सर पर सरपंच वालों धक्केशाही की गई और उस मकान खाली करवाने वास्ते और वोटा ना पाने के कारण जो उन्हें पैसे की और लालच दी सी पर दलित समाज वालों कुछ परिवार ने कोई पैसे की अपने हाथ में कोई भज दौड़ नहीं रखी उन्होंने पैसे ना दी है और पर उन्होंने सरपंच वालों जो मारपीट की गई और उसकी असं कड़ी निंदा करते हैं। अज असी इतने फतेहगढ़ साहब पहुंचे सिविल हॉस्पिटल के जिते सा परिवार साढ़िया मावं भैन टोटल पांच परिवार के मैंबर जोड़े इतने दाखिल आ। सो असी इंसाफ की राह उत्ते चल रहे हैं। साड़ी बेनती है प्रशासन के अगे सरकार के अगे कि अगर दो तीन दिनों के उन्होंने गिरफ्तारी ना की गई सरपंच को सरपंची हुई जो ना लाया गया तो इसका कड़ा विरोध करा और असं संघर्ष को तेज करा और असं हो सकता है कि सारे जथेबंदियां संगठन इकट्ठे हो के इसका घिराव करा और पिंड के असी चाहते हैं कि सरपंच को लाया जाए जो गरीब उत्ते अत्याचार कर रहा और सरपंच का काम होंगे कि गरीबों का जो भला करता पर उन्हें जो उसे बेइंसाफी की परिवार से हमला किया तेज हथियार भारी गिनती के नाल और जनसराज के नाल उन्होंने हमला किया मावं भैन से जो दलित वर्ग के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और साढ़े फल में उन्नी ठेस पहुंची कि असं अज जलंधरों इतने पहुंचे हैं। चार घंटे का सफर करके मेरे नाल मेरे वीर रविदास टाइगर फोर्स प्रधान जस्सी तलन जी, लवली जी और गुरु वाल्मीकि टाइगर फोर्स वाइस प्रधान विक्की चीता जी मौजूदा असं हॉस्पिटल के खड़े हैं और जो इतने एफ आई आर दर्ज हो चुकी है पर एफ आई आर दर्ज करवाने का मतलब यही नहीं कि वह जमानत करा। साड़ी मंग है कि उन्हें जल्द तो जल्द गिरफ्तारी की जाए ना की गई तो इसका संघर्ष जो असं होर तेज करा। सारे जथेबंदियों वालों दो दिन का टाइम असं मतलब इतने के एस पी साहब को देवे अगर ना गिरफ्तारी की गई तो सरपंची तो ना लाया गया इसका कड़ा विरोध असं सड़क से उतरा। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। सो साथियों जिदा बीर जी ने दस ही दिता भाजी ने भी दस दिता पर मैं एक बार फिर तो अपने इस माध्यम तो पैसे लैन तो इनकार कर दिता। सो साथियों तुसी देखो कि यह उह योधे ने जिन्हां दा इतिहास बोलता और उन्होंने हुण भी जिहड़ा आ पैसे लैके वोट पाउण तों इनकार किया अपनी जी इमानदारी है संविधान प्रति और देश प्रति वो सच्ची दिखाई लेकिन उनके इवज में जी जाति पाति मानसिकता गंदी सोच वाले लोग आ उन्होंने इन्होंने की इनाम दिता वो तुम खुद अपनी अखी देख सकते हैं। सो मैं बेनती करूँगा गुरु रविदास टाइगर फोर्स के प्रधान जस्सी तलन जी के वो इस इन्हों बारे कुछ गलबात भी कर और जो प्रशासन के कल तो गलबात कर रहे हैं वो बारे भी जोड़े आ जानकारी देंगे। पहला तो सारे साथियों जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सो साथियों कल ही असं प्रशासन के नाल साडी गलबात चल रही थी इतने फतेहगढ़ साहब जो साडे समाज के लोगों ना देखो अत्याचार किन्ना होया भी बड़ी चलो सानू इन्हों सल्यूट करना चाहिए माण की गल है भी अजक जो साड़ी घर थी साढ़े समाज की भी जो एस सी कमेटी या वाल्मीकि समाज के लोग हैं इन्हों तो मौके दे जिदा वोटा पैदा कहते भी कुछ करने की लड़ नहीं सिर्फ दो दिन पहला आप शराब या पैसे बंट दिए तो यह जो समाज साढ़े पिछे लग जूगा सानू इन्हों सलाम भी करनी चाहिए है सल्यूट भी करना चाहिए है भी इन्होंने वो चीज़ में इनकार के जो उन्होंने सोच सी जो मनोबलियों की सोच से उन्होंने दकारिया खिलाफ एक आवाज बुलंद की है। सो सानू इन्हों तो सीध लेनी चाहिए सर सारे समाज में भी आप जी प्रथा है इन खत्म करिए अज असं चाहते हैं भी अब जिस तरह अभी सारे सोने जथेबंद इतने पहुंचे हैं भी होर भी सारे साथी जो एन आर आई साथी हैं बाहर समाज बैठे हैं सारे सारे जो अपने मूल निवासी हैं वो इतने आन
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਿੰਘ ਸੌਰਵ ਉਹਦੇ ਐਸੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 452 ਵੀ ਹੈ 148 53 ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਆਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋੜੇ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ।